हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब के साथ एक अलग टॉपिक डिस्कस करूंगी एंड इट्स इलेक्शंस इन इंडिया। अब इलेक्शंस आप सबको पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट बनाता है और हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। सबसे पहले तो ये जो इंडिया में इलेक्शंस हैं ये कितने टाइप के होते हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगी और इनको कौन कंडक्ट करवाता है वो भी डिस्कस करूँगी। तो हमारे पास इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं और इन तीनों टाइप्स की अपनी अपनी फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं और जो नेक्स्ट इलेक्शन है उनको हम मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं और लास्ट में हमारे पास वाई इलेक्शन आते हैं। तो जो जनरल इलेक्शन है वो जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं जो हर 5 साल के बाद होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है और फिर हम नई गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। इसके बाद है मिड टर्म इलेक्शन। अब जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं ये तब होते हैं जब कोई गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल के कार्यकाल के पहले ही जो है भंग कर दी जाती है। मतलब अगर वो ढंग से काम नहीं करती है तो उनको बोला जाता है कि वो जो है रिज़ाइन कर दें। जब पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो उसको हम मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। और बाई इलेक्शन जब कोई MLA पास अवे हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं एक बार मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी। तो जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल के बाद होते हैं और ये तब होते हैं जब कोई गवर्नमेंट जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है। जैसे अभी आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल आएगा, हमारे सेंटर के जो इलेक्शंस हैं वो लास्ट टाइम 2019 में हुए थे और जो अपकमिंग इलेक्शन है वो 2024 में होंगे। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और अब जो ये जो इलेक्शन हमारे 2024 में होंगे ये इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शंस होंगे क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जो 5 साल का काम था कार्यकाल था पूरा कर लिया। अब मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन में दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। मान लो कोई गवर्नमेंट है और वो ढंग से काम नहीं कर रही है और उनको बोला जाता है कि आप जो है अभी रिज़ाइन कर दो। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है और वो अपने 5 साल से पहले ही रिज़ाइन कर देती है और उनकी जगह पे जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी उनके लिए जो इलेक्शन करवाए जाएंगे उनको हम मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं जब पूरी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसके लिए जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उनको हम मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं जो बीच में हमें करवाने पड़ते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म है इट्स अ लास्ट टाइप ऑफ इलेक्शन ये है वाई इलेक्शंस। अब वाई इलेक्शंस क्या है तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से उनको बोला जाता है कि वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दें और जब वो रिज़ाइन कर देते हैं और कब रिज़ाइन करते हैं 5 साल से पहले अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अगर तो उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो उन MLA या MP के लिए जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उनको हम वाई इलेक्शंस बोलते हैं और ये सिर्फ एक सीट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 टाइप के इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड वाई इलेक्शन। अब इन इलेक्शंस को कंडक्ट कौन करवाता है तो इन इलेक्शन को जो कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है उसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये अपनी तरह से कानून बनाती है, अपनी तरह से ये जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इन पे किसी भी तरह का कोई भी जो आप बोल सकते हो कि कोई भी दबाव नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है। इसमें हर कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है ये उनको वोट डालने का अधिकार प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद ये लोगों को लिबर्टी और फ्रीडम प्रोवाइड करवाती है कि वो अपना वोट जो है अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं और ये सिर्फ एक पर्सन को एक ही बोर्ड प्रोवाइड
वोट प्रोवाइड करवाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, वो राजीव कुमार हैं, जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वैसे तो हर स्टेट के अपने अपने इलेक्शन कमिश्नर अलग से होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन इंडिया के जो चीफ हैं वो राजीव कुमार हैं। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।